हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको 6 माना प्लेट में 4 स्विच एक साथ कसने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। कैसे कसा जाता है ये दिखाएंगे आपको। हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारा जो 4 स्विच है, अब इतना बड़ा तार हम छील लेंगे और छील करके और क्या करेंगे कि चारों तार को इकट्ठा लूप कर देंगे। गिलास से छीन लेते हैं पहले तार को, उसके बाद तार को खूब बढ़िया मान लिया जाता है। देखिए ये हमारा चारों स्विच में तार लूप हो गया। हो गया ये देखिए हमारा इन्वर्टर का तार है। इस तार को हमको मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं कि अभी हम इन्वर्टर नहीं लगा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम टेप मार करके इसी में रख देंगे। ये हमारा देखिए हाफ है, जहाँ से पॉइंट दिया जाता है जहाँ पे उसको हाफ बोलते हैं। तो देखिए हाफ बोलते हैं तो उसको स्विच में लगाते हैं। ये हमारा देखिए अब हम हाफ को स्विच में कस रहे हैं। कनेक्शन कभी भी टाइट रखना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट होने का डर ना रहे। ये देखिए ये हमारा अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको इस स्विच से इस सॉकेट को देना है, तो एक छोटा सा तार ले लेंगे हम और ले करके उसमें लगा देंगे। ये हमारा न्यूट्रल है, कभी भी न्यूट्रल हम देखिए बाएं तरफ बाएं तरफ रखेंगे और फेस को कभी भी दाएं तरफ रखेंगे। तो एक इसमें से इसमें ले करके हम रोक रोक कर लेंगे। वाला तार ले करके हम क्या करेंगे, इस सॉकेट से ले करके स्विच में लूप कर लेंगे। ये हमारा स्विच बोर्ड का कनेक्शन फाइनल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तार को इन्वर्टर का तार जो है उसमें टेप मार देंगे और उसके बाद से स्विच बोर्ड को हम कस देंगे। देखिए ये हमारा कसा जाएगा इसी तरीके से। बोर्ड को कभी भी सीधा कसना चाहिए, सीधा देख रहे तार बाहर ना रहे, सीधा कसना चाहिए। थोड़ा टाइम लगे लेकिन काम अच्छा से करना चाहिए। देखिए ये हमको गीजर का पॉइंट देना है। ये हमारा 16 एम्पियर सॉकेट है और ये 16 एम्पियर स्विच है, इसको हम लूप करेंगे इसमें। देखिए देखिए ये हमारा लूप हो जाएगा इसमें। अब हमारा स्विच से सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब हमको देखिए ये हमारा फेस है, लाल तार फेस है, तो लाल तार को हम स्विच में कस देंगे, फेस को स्विच में कस देंगे। कनेक्शन टाइट रहना चाहिए। ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को कभी भी बाएं तरफ नहीं डालना चाहिए, दाहिने तरफ नहीं डालना चाहिए। इसलिए कोई भी सिस्टम आता है तो उसका जो न्यूट्रल होता है बाएं तरफ देता है और दाएं तरफ लाइट का पॉइंट देता है फेस। ये हमारा अर्थ है, अर्थ को हम अर्थ में कस देंगे। एक हमारा जगह यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डमी भर देंगे। अब इस स्विच बोर्ड को भी हम कस के कंप्लीट तोड़ देंगे। देखिए ये तोड़ेंगे नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा, उसके लिए ये तोड़ देंगे, तोड़ के निकाल देंगे और हम इसको कस देंगे यहाँ पर। देखिए कैसे फिटिंग होने वाला है। हमारा गीजर ऊपर टंगाएगा, इसी में हमारा सॉकेट का लगेगा, सॉकेट में उसका प्लग। तो हम 2 स्विच और 2 सॉकेट का कनेक्शन करना है। जैसे कि हमको एक पावर प्लग देना है और एक नॉर्मल प्लग देना है, तो इसमें कनेक्शन करना है। देखिए हम स्विच को पहले सॉकेट में लूप कर लेंगे। अब देखिए तार छोटा छोटा लेकर के हम क्या करेंगे, लूप कर देंगे। ये
ये हमारा देखिए लूपिंग हो गया, लूपिंग हो गया दोनों स्विच का। अब इसको हम दोनों दोनों हमारा जो स्विच आ है आपस में छोड़ देंगे, दोनों को आपस में जोड़ रहा है दोनों को। थोड़ा सा तार को लंबा छील करके आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए कनेक्शन कभी भी टाइट रखना चाहिए, इसलिए डर रहता है अगर कनेक्शन आप अगर टाइट नहीं रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, इसलिए कनेक्शन कभी भी टाइट रखना चाहिए। ये हमारा न्यूट्रल है देखिए। अब न्यूट्रल में देखिए हम थोड़ा सा तार जोड़ लेंगे, इसलिए तार जोड़ लेंगे वहाँ पर हमारा दो सॉकेट है। ये हमारा अब एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया, एक सॉकेट हो गया। अब एक दूसरे सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, देना चाहिए ताकि मान लीजिए कि कभी भी कोई करंट अगर लीक कर रहा है तो किसी आदमी को करंट ना लगे, इसलिए अर्थिंग का तार डाला जाता है, इसीलिए अर्थिंग का कनेक्शन किया जाता है। कनेक्शन फाइनल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा पीला तार इन्वर्टर का है, इसको भी हम टेप मार के अंदर फंस देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे फंस देंगे, देखिए ऐसे हमारा स्क्रू लेकर के दो और इसमें कस देंगे। हमारा देखिए स्विच बोर्ड पहले से लगा हुआ है बॉक्स, उसी में कस देंगे। हमारा कंप्लीट वायरिंग हो गया, अब इसको टेप मार के अंदर कस देंगे।